बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे अबाउट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और डिप्लोमेसी। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अ डिप्लोमेट। हु इज़ अ डिप्लोमेट? डिप्लोमेट्स किसको कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स यू मे से दैट पीपल हु प्रैक्टिस डिप्लोमेसी आर कॉल्ड डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स का फंक्शन क्या होता है? Diplomats try to help their own country, encourage cooperation between countries and maintain peace. Diplomats का काम क्या होता है? अपने मुल्क की representation, अपने country को help करना, और जो receiving country है और उस diplomat का home country है उसके दरमियान और other countries के दरमियान cooperation और peace को encourage करना। जब डिप्लोमेट्स का एक ग्रुप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाकर रहता है तो इसे डिप्लोमेटिक मिशन कहते हैं। व्हाट इज़ अ डिप्लोमेटिक मिशन? ए ग्रुप ऑफ डिप्लोमेट्स रिप्रेजेंटिंग वन कंट्री दैट लिव्स इन अनदर कंट्री इज़ नोन एज अ डिप्लोमेटिक मिशन। अब डिप्लोमेटिक मिशन और एम्बेसी में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो पर्मानेंट डिप्लोमेटिक मिशन होता है उसे एम्बेसी कहा जाता है। और एम्बेसडर कौन होता है? जो लीड डिप्लोमेट होता है एक एम्बेसी के अंदर उसे एम्बेसडर कहा जाता है। अ लार्ज डिप्लोमेटिक मिशन मे हैव रिप्रेजेंटेशन बिसाइड्स अ सिंगल एम्बेसी। अगर डिप्लोमेटिक मिशन बड़ा है, लार्ज है, क्योंकि दोनों स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड या सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं है बल्कि कमर्शियल रिलेशंस हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं, तो ऐसी सूरत में जो डिप्लोमेटिक मिशन होगा वो लार्ज हो सकता है। तो लार्ज डिप्लोमेटिक मिशन की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक सिंगल एम्बेसी के ज़रिए से हो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो अदर प्लेसेस हैं डिप्लोमेटिक मिशन की रिप्रेजेंटेशन की, दे आर कॉल्ड कॉन्सुलेट्स। और कॉन्सुलेट्स जो रिसिपियंट कंट्री है यानी जहाँ पर वो डिप्लोमेटिक मिशन रह रहा है उसके जो बिग सिटीज़ होते हैं और आमतौर पर जो प्रोविंशियल कैपिटल्स होते हैं और इसके अलावा जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर कॉन्सुलेट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।